अब देख सकते हो वेजीज एकदम भर भर के डाले। हाँ धीरे 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 हुआ, डायरेक्टली तो नहीं हुआ, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है मैंने, मेहनत बहुत की है मैंने, लोगों के यहाँ काम किया है मैंने, सब सीख लिया मेकिंग कैसा करना है क्या करना है, उसके बाद मैंने खुद का चालू किया। हेलो आंटी, हाय, आपका नाम? मेरा नाम कोमल। तो आप कितने टाइम से लगा रहे हो यहाँ पे पराठा की स्टॉल? मुझे अभी है रनिंग 14 साल। अच्छा, तो आपका यहाँ का सबसे फेमस कौन सा है? सबसे फेमस तो राजा रानी है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ महाराजा। तो आपने यहाँ पे सेटअप पहले दिन से ही चलने लगा था या फिर धीरे 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 कितने नहीं, साल नहीं, नहीं 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 धीरे 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 हुआ, डायरेक्टली तो नहीं हुआ, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है मैंने, मेहनत बहुत की है मैंने, लोगों के यहाँ काम किया है मैंने, सब सीख लिया मेकिंग कैसा करना है क्या करना है, उसके बाद मैंने खुद का चालू किया। अच्छा, तो कितनी वेराइटीज मिल जाती है आपके यहाँ? मेरे पास तो एक एक आइटम है। अच्छा, तो क्या टाइम रहता है आपके यहाँ स्टॉल? मेरे स्टॉल का टाइम है शाम को 5 बजे से रखती हूँ, रात को 12 बजे तक। तो हमने सुना है सेलिब्रिटीज ने भी खाया आपका पराठा? हाँ जी खाया है ना। तो कहाँ पे खिलाया आपने? मैं बॉम्बे में गई थी जी टीवी सारेगामा पा में, वहाँ में हिमेश रेशम में कुमार शानू शंकर महादेवन सब ने खाया है। तो कौन सा खिलाया था उनको? उनको मैंने गाजरानी खिलाया था। अच्छा चलिए, हमारे लिए आप अपना आपके हिसाब से बना दीजिए। मैं मेरे हिसाब से आपके लिए महाराजा बनाती हूँ। ठीक है, ओके। जैसे तो ये आ गया मिक्स वेजिटेबल, जैसे गाजर पंसी बीट वो मिक्स रहता है, फिर इसके अंदर आ गया ओनियन, अच्छा शिमला, और ये जो अपने घर के मसाले होते हैं ना बस वही, ये लहसुन का पेस्ट, ये स्पाइसी मसाला है, और ये घर के ही मसाले है, हजीरा मोटो नो गरम मसाला कुछ भी नहीं है, सारे घर के मसाले। अच्छा, तो हम घर पे जैसे बनाते हैं? हाँ बस, हाँ हाँ वैसा ही टेस्ट मिलेगा कि बच्चे बूढ़ो कोई भी आ सके, प्रेग्नेंट भी औरत आती है ना उसको भी कोई हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्वाद अनुसार नमक आ गया, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, पराठे का मसाला, अभी इसके अंदर आएगा पनीर, ये पनीर आ गया, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपना ये प्योर गेहूं का आटा है। अच्छा, सारे पराठे गेहूं के आटे? हाँ हाँ, सारे पराठे गेहूं के आटे में ही बनेंगे, इतना भी मैदा यूज नहीं करती हूँ। इसका क्या प्राइस है? 300। और यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन में बता दीजिए? यहाँ का लोकेशन ऐसा है, बिग बाजार की गली के अंदर है, लेंसे आर्मी गेट के सामने 4 नंबर का गेट है, जिल्ला पंचायत बना है ना एग्जिट उसके बाजू में। अच्छा, टाइम क्या रहता है? टाइमिंग शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे। इतना बड़ा बनने वाला है? हाँ है, बड़ा बनेगा, महाराजा है ना। इसके ऊपर कुछ जाने वाला है? हाँ, अभी ये ओपन हो जाएगा, इसके अंदर मायो आएगा। अच्छा, फिर चीज आएगा। अच्छा, अब देख सकते हो वेजीज एकदम भर भर के डाले। हाँ, और आपका सर्व करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट और यूनिक है। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ क्या आप सर्व करते हो? इसके साथ आएगा दही चटनी और सॉस। ये मेरा रेडी हो चुका है स्पेशल महाराजा पराठा, जो मैं सर्व करूंगी दही
हाँ केचप और दही, सॉरी दही सॉस और चटनी। अच्छा, जितना यह फेमस है उतनी चटनी मेरी फेमस है। अच्छा, तो चलिए ट्राई करते हैं आंटी का ये महाराजा पराठा। भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। तो ये है केचप और आंटी बोल रही थी उनकी चटनी भी जबरदस्त होती है, और ये कड़ के बिना तो इमेजिन करना ही मुश्किल है। चटनी में मिंट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया रहा है, ऑसम। अगर आप पराठा लवर हो ना तो डेफिनेट अगर आप पराठा लवर हो ना तो आपको यहाँ पर आके ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अगर आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया।